कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3,00,000 करोड़ रुपए का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बिजनेस की बात में। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। पीएम मोदी की ओर से घोषित किए गए पैकेज में क्या है, इसे जानने की उत्सुकता लगभग सभी को है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको इसकी जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 20,00,000 करोड़ रुपए के पैकेज की डिटेल देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 13 मई 2020 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि इस राहत पैकेज में किस वर्ग के लिए क्या है और किसे कितनी बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि इसके तहत पहला ऐलान MSME कुटीर व गृह उद्योगों के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कर्ज की समय सीमा 4 साल की होगी और पहले साल मूलधन नहीं चुकाना होगा। इस फंड से छोटे लघु और कुटीर उद्योग काम शुरू कर सकेंगे और इससे लोगों को सैलरी भी दे पाएंगे। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2020 तक की इस स्कीम का फायदा लिया जा सकता है। अगर आपने अभी तक किसी वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हर जानकारी ले सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि इस पैकेज से किसे क्या सहायता मिलेगी। MSME के लिए 10,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। इससे कारोबार की क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता दी जाएगी। ऐसे लोग PF से अपना पैसा ले सकते हैं। बता दें कि सैलरी का 24% PF सरकार जमा करेगी। EPF जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12-12% भारत सरकार देगी। मौजूदा TDS व TCS दरों में 25% कटौती की जा रही है। ये कटौती गुरुवार से लागू होगी। ये कटौती 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ई मार्केट लिंकेज के साथ व्यापार मेले में शामिल होने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकारी व्यापारियों या PSU में MSME का जो बकाया होगा उनका पेमेंट 45 दिन में करवाने का प्रयास होगा ताकि जल्द से जल्द उन्हें लाभ मिल सके। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कंपटीशन में MSME पीछे रह जाते थे। इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए से कम वाले MSME में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। आपको बता दें कि सरकार ने MSME की परिभाषा में भी बदलाव किया है। इसके तहत 1 करोड़ तक का निवेश करने वाली और 5 करोड़ तक का कारोबार करने वाली मैन्युफैक्चरिंग व सर्विसेज यूनिट अब माइक्रो यूनिट कहलाएंगी। 10 करोड़ तक निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने वाली अब स्मॉल और 20 करोड़ तक निवेश व 100 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली यूनिट मीडियम यूनिट कहलाएगी। लॉकडाउन के बीच छोटे व्यापारियों को हो रहे नुकसान में सरकार ने पैकेज की घोषणा करके कुछ मदद करने की कोशिश की है। उम्मीद है इन व्यापारियों को इससे लाभ होगा। इस खबर पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नए खबर के साथ। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।